ऑलराइट, वेलकम बैक गाइस टू अनदर कार फॉर सेल वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं सोच रहा था कि एक काम किया जाए। मेरे पास मेरा माजदा है, ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना टेस्ट किया जाए कि माजदा एक्चुअली में कितना पावरफुल है। क्योंकि देखो, निसान GTR इज़ अ वेरी रेयर कार, ठीक है, और निसान GTR को पाने के लिए भाई 100-150 दिन लग जाते हैं, मतलब गेम के अंदर। और वो बहुत ही फास्ट है, मतलब वो सारे कार्स को बीट कर देता है फॉर श्योर। तो मैं सोच रहा था कि अपना जो माजदा है वो मुझे इतना टाइम बाद मिला, ठीक है, कितना टाइम आप लोग जानते ही हो, मतलब बहुत टाइम के बाद मिला मुझे माजदा। तो मैं टेस्ट करना चाहता था कि माजदा का मतलब पावर कितना है, मतलब वो कितने स्पीड तक जा सकता है और वो सारे के सारे सुपर कार्स से कैसे मतलब परफॉर्म करता है, ठीक है। तो मैं ट्राई करता हूँ मैं देखता हूँ कि कितने सारे सुपर कार्स के साथ हम लोग इसको रेस करवा सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग नीचे ले जाते हैं। रुको, अच्छा रुको, नीचे ले जाने से पहले मुझे लिफ्ट को ऊपर बुलाना होगा। रुको, एलिवेटर आप। और अभी इसको नीचे, एलिवेटर डाउन। अरे कार के अंदर, अच्छा हाँ, पहले देख लेते हैं इसका कोई डैमेज वैमेज कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा फ्यूल भरवा लेते हैं, बस एंड वी आर रेडी। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि इसका स्पीड कितने तक जाता है। चलो, हमारा पोर्शे भी उधर खड़ी है। ओ, तो आज कोई सुपर कार आया क्या? नहीं, कोई नहीं, बस BMW है। चलो रेस कर ही लेते हैं, एक रेस तो हो जाए। ये कौन सा BMW है? एक सेकेंड, ये BMW Z3A, ये क्या नया आया है क्या? शायद से एक बार चलो रेस करके तो देखे। रुको, पहले थोड़ा अच्छा प्राइज मिल जाए। हाँ, 391 इज गुड। चलो भाई, सिर्फ 391, पहले कितना मिलता था भाई? पहले 2-3 लाख मिल जाते थे भाई, सिर्फ 391 भाई, सीरियसली। ओके, माजदा वर्सेस BMW, लेट्स गो। अच्छा हाँ, गियर का वो देखना होगा भाई, शिफ्ट विफ्ट अच्छे से दबाना होगा। रुको, ओके, माजदा वर्सेस BMW, 3, 2, 1। ग्रेट, ग्रेट, ओके। क्योंकि रेस कार नहीं है तो मैं मान सकता हूँ कि ठीक है, हम लोग जीत गए, सही है। लेकिन देखता हूँ कि Lamborghini और Porsche, Ferrari इन सब के साथ कैसे कम्पीट कर पाता है, वो देखना होगा भाई। ठीक है, रिपेयर में टाइम हो जाएगा, तब तक पूरा तोड़ ही लेते हैं भाई इसको। छोड़ो, रिपेयर कर दे भाई जल्दी से, मतलब जल्दी तो नहीं, आराम से भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखते हैं कितना टाइम लगता है। अच्छा, आई कैन ओपन अ स्किल फॉर लो रिपेयर, रिपेयर हो भी गया भाई। अच्छा, मेरा स्किल टैप में एक स्किल पॉइंट है ना, फ्यूल प्राइस लो, रिपेयर प्राइस लो करना होगा, ठीक है। एंटर, इसका एक बार देख लेते सस्पेंशन और सब, शायद से मैंने देख लिया था, फिर भी डबल चेक सब कुछ है इसके अंदर, सस्पेंशन व्हील, प्लेट्स, व्हील्स, एवरीथिंग इज फाइन। ये व्हील लगाया ना, हाँ। लाइट्स थोड़ा कौन से कलर किया जाए, थोड़ा ग्रीन या फिर रेड, रेड नहीं, थोड़ा सा ये टाइप कलर करते हैं। चलो, ब्लैक का तो कोई कलर ही नहीं होता ना, ये नहीं, थोड़ा सा ये कलर सही है, हल्का ग्रीन एंड हल्का ब्लू, ये टाइप, यस।
ग्रेट। अभी भी 12 नहीं बजे भाई, अभी भी 2 मिनट लगेगा इसको। चलो एक बार कार मार्केट चेक कर लेते हैं, फिर हम लोग जाएंगे रेस के लिए, ठीक है? तो कार मार्केट में चलो एक ये खरीद लेते हैं। इसका प्राइस कितना? 638 भाई, इतना तो नहीं होता। रुको, 540,000 भाई, ये तो 3 लाख तक मिल जाता है भाई। इतना महंगा क्यों बेचा भाई इसे? ये बहुत ही महंगा बेच दिया। ये सेल ही तो होगा आई गेस 7.5 या 8 तक का। दो लैम्बोर्गिनी, ओ दो लैम्बोर्गिनी और तो शायद से टेस्ला और नहीं, सही है। चलो लैम्बोर्गिनी अभी ले लेते हैं। 481 इसको हम लोग अफोर्ड शायद से मिल जाएगा। यस, इसको भी टो। अच्छा मैंने उसको गलती से रिपेयर में भेज दिया, वो सॉरी। अच्छा देख लेते, अगर रिपेयर होगा तो कर लेंगे। इसको आप दो मुझे 2,20,000। ये सही दाम पे बेच रहा है शायद से। हाँ ये लैम्बोर्गिनी भी 6-7 लाख तक का बेच दूंगा मैं। चलो भाई, मुझे ना इसका ना एक चीज इसमें अपडेट में सही हो गया कि इसका वो सेविंग टाइम बहुत ही कम हो गया, क्योंकि पहले तो भाई पूरा लगभग 10 सेकंड्स के लिए अटक ही जाता था पूरा, लेकिन अभी अटकता नहीं है, वही बहुत सही बात है। चलो अभी ये कौन सा फियाट का अपडेट ना, चलो माजदा वर्सेस फियाट ट्राई करते हैं। तुमने क्या गलती से शिफ्ट दबा दिया क्या? 3, 2, 1 लेट्स गो। एक्चुअली ये आइडिया सही है, पता है? मैं अगर पहले ही 3 बार शिफ्ट दबा दूंगा तो ये थर्ड गियर में पहले ही चलेगा, तो मुझे शिफ्ट दबाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। ये तो सही आइडिया है, रुको इसका यूज़ कर सकते हैं और एक बार ट्राई करते हैं। रुको तो चलो देखते हैं आज कौन आता है रेस के लिए। भाई मुझे एक सुपर कार के साथ रेस करना है। सुपर कार से नहीं आते भाई, बहुत ही रेयर होते हैं। आज भी नहीं, लेकिन हम लोग एक टेस्ला के साथ कर सकते हैं एक्चुअली में। चलो एक टेस्ला के साथ ट्राई करते हैं। कहाँ गया? हाँ ओके, ट्राई करते हैं टेस्ला के साथ। भाई पहले से ही ना मैं थर्ड गियर में दे रहा हूँ, समझ रहे हो? ट्राई करते कि क्या होता है, क्या मुझे फिर से गियर देना का। ये क्या हुआ? गाड़ी थोड़ा स्लो नहीं जा रही? कुछ तो गड़बड़ हुआ भाई, रुको। गाड़ी थोड़ा स्लो जा रहा था ना, शायद से फर्स्ट गियर देना सही चीज़ नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा स्लो लगा मुझे, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, छोड़ो। चलो फिर से कल आना होगा, लेकिन अभी तो भाई टाइम कैसे किल करूँ मैं। ओके अभी नया दिन हो गया है, तो अभी पहले कार मार्केट जाते हैं और देखते हैं कि कोई क्रेजी सा कुछ कार आया कि नहीं। भाई इन लोगों ने थोड़ा नया कार्स ले आना चाहिए, इन लोगों को नया कार्स अपडेट लाना चाहिए भाई। चलो एक फरारी ले लेते हैं, एक फरारी है अच्छा खासा फरारी है, 700 का हम लोग कोट करते हैं, लेकिन बिकता है आई गेस वो 5.5 या 6 में।
ये 346 का तो 270,000 जिससे हो जाएगा ना, नहीं ना तो 290,000 ये तो हो जाना चाहिए, आई एम श्योर यस। तो इसको टो और तो कोई सही कांड नहीं है, ये तो BMW का वो वाला है, चलो सही है। अभी चलते हैं और देखते हैं कि कोई क्रेजी सा सुपर कार आया कि नहीं रेस करने के लिए। मुझे माज़्डा का एक्चुअल परफॉर्मेंस देखना है भाई, कि वो लैम्बोर्गिनी से फरारी से कैसे कम्पीट कर पाता है। वो भाई अभी भी कोई क्रेजी कार नहीं आया भाई, कब आएगा प्लीज, इस बार तो आ जा। चलो ऑडी R8 तो आया भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ तो आया। चलो बेटी, हाँ कभी भी नहीं भाई, मैं माज़्डा के साथ ब्रिटिश कार करूँगा कभी, मैं पागल हूँ भाई, एक तरफ माज़्डा एक तरफ ऑडी R8 और मैं ब्रिटिश कार करूँगा भाई, क्या समझ रहे हो भाई मुझे, सीरियसली। और भाई ऑडी R8 बहुत ही मतलब खराब कार है भाई, मतलब अच्छा कार है लेकिन रेसिंग के मामले में बहुत ही खराब है। अगर आपके ओपोनेंट के पास ऑडी R8 है तो उसमें NOS होगा ही होगा, वो बोलेगा कि मेरे पास नहीं है, लेकिन भाई डेफिनेटली है उसके पास। रुको इस बार तो भाई उड़ा दूंगा, रुको क्रेजी रेस करूंगा इस बार। अरे ओहो पीछे आ पीछे आ भाई, ये तो पीछे ही नहीं आ रहा, सीन है भाई ये पीछे क्यों नहीं आया भाई, मैंने तो कितना दबाया पीछे वाला, वो ये पीछे क्यों नहीं आया ये भाई, ये भाई ये बहुत ही बड़ा बग है इस गेम का भाई, मैं लिटरली पीछे को कर रहा हूँ पीछे आ ही नहीं रहा भाई। तुम सोचो कि इतने टाइम बाद एक सुपर कार आया रेस के लिए और मतलब ऐसा एक ग्लिच हो जाए, ये कैसा ग्लिच है भाई। ओ वाओ ग्रेट भाई, फाइनली निसान GTR के साथ रेस भाई, हार तो जाऊंगा मुझे पता है लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, रेस करने में क्या दिक्कत है, क्या पता जीत जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हार जाऊंगा क्योंकि भाई निसान GTR इज द फास्टेस्ट। ट्राई करते हैं, चलो भाई प्लीज निसान GTR अगर हरा दिया तो भाई ये तो फास्टेस्ट कार हो जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, ट्राई करते फिर भी, देखते माज़्डा में कितना दम है, ट्राई करते चलो फुल पावर भाई, ट्राई करते माज़्डा वर्सेस GTR भाई, चलो भाई भाई मुझे पता था मैं हार जाऊंगा भाई, बहुत बड़े मार्जिन से हार गया एक्चुअली मैं, उसने 8.4 सेकंड्स में खत्म कर लिया, लेकिन ठीक है मतलब ये एक्सपेक्टेड था कि निसान GTR हरा देगा क्योंकि निसान GTR इज द फास्टेस्ट यू नो, लेकिन ठीक है माज़्डा भी बहुत मतलब पावरफुल है, मतलब बहुत ही क्लोज था कॉम्पैक्ट, लेकिन ठीक है, बट मुझे भाई लैम्बो से रेस करना है भाई, लैम्बो से कैसे रेस करेंगे। चलो अभी शांति से कार मार्केट जाते हैं और कुछ अच्छा अच्छा कार्स देखते हैं भाई, इन लोगों को ना वो लैम्बोर्गिनी फरारी इन सब का वो मतलब काउंट बनाना होगा भाई, इतने कम काउंट से नहीं होता। चलो एक R8 तो मिल गया, अभी R8 खरीद लेते हैं जल्दी से, 458 ना तो 360,000 हो जाएगा, आई गेस हो जाएगा, दे दे भाई, नहीं 370,000 यूजुअली 1 लाख कम में हो जाता है, हो जाना चाहिए यस भाई। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ऑडी R8 सेल करके ही होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ऑडी R8 ही करता है भाई, तो ऑडी R8 रेस में भाई एकदम ही नहीं ले जाना चाहिए भाई, ना उससे रेस करना चाहिए और ना करवाना चाहिए भाई, एकदम नहीं भाई, ऑडी R8 भूल जाओ एकदम, बस बेचने के लिए खरीदो बस, और कुछ भी मत करो उसके साथ। गाड़ी बहुत प्यारा है लेकिन भाई डेवलपर का बग्स भाई,
वो सब सही नहीं है। चलो इसको भी लाइन में लगा देते हैं अपनी कलेक्शन में। काफी सारे कार्ड्स हो गए हैं मेरे पास एक्चुअली। ओके ओके भाई, फाइनली डोज वाइपर, वाइपर के साथ बेट करेंगे भाई। अच्छा हाँ, वाइपर को हम हरा सकते हैं क्या? आई गेस हरा सकते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। चलो भाई, आई गेस वाइपर को अगर ये हरा दिया तो ये बहुत ही फास्ट हो जाएगा। रुको, ये सही से खेलना होगा। ग्रेट, तो माजदा वर्सेस डोज वाइपर। चलो फुल स्पीड लगा दूंगा भाई मैं अभी। रुको, 3, 2, 1। क्या हमने हरा दिया? यस 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 यस, लेट्स गो भाई। माजदा ने इसको हरा दिया भाई, तो इसका इतना दाम क्यों है, इसका इतना कॉस्ट क्यों है भाई? तो वो डोज वाइपर का, डोज वाइपर तो आई गेस तो लगभग कितना, 1 मिलियन का, 1 मिलियन के ऊपर ही बिका होगा भाई। माजदा का तो उतना प्राइस नहीं है, माजदा ने उसका हरा दिया, तो फिर वो इतना महंगा क्यों है भाई? मुझे आंसर दो, कोई मुझे आंसर दो। चलो अब ये टेस्ला के साथ और एक बार रेस कर लेते भाई, क्योंकि मैं मतलब हजम नहीं कर पा रहा कि टेस्ला ने इसको हरा दिया। और एक बार ट्राई करते हैं। चलो तो टेस्ला से हरा नहीं सकता भाई, इतना फास्ट कार है। और एक बार ट्राई करेंगे, चलो लेट्स गो। ये अब सही से होगा, एक बार बटन्स भी सही से देख लेता हूँ। हाँ चलो, ये तो भाई जीत के ही रहूँगा। देखो पहले फिनिशिंग लाइन में जाते हैं। चलो ग्रेट, तो माजदा वर्सेस टेस्ला। चलो अभी सही से होगा सब कुछ। 2, 1। सही से हो जा भाई। ग्रेट 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 ग्रेट, लेट्स गो भाई। देखो मुझे पता था ये टेस्ला को आसानी से हरा सकता है भाई, फिर वो पहले टाइम में क्या हुआ था भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने बटन से सब सही दबाए, मुझे जो लगता है ना, एक ही चीज़ हुआ होगा कि वो थर्ड गियर में मैंने पहले से ही दे दिया ना, वो ही एक प्रॉब्लम हो सकता है, वरना कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं भाई। चलो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा और एक टेस्ला आ गया ना, तो ठीक है टेस्ला के साथ तो हो गया। चलो अभी अभी कल देखेंगे। ओ भाई ये तो क्रेजी था, मैं ऐसे मजे मजे में कर रहा था लेकिन भाई एक्चुअली में डैमेज हो गया। और ये कार अपने आप पीछे कैसे आ रहा है भाई? हाँ चलो सही है भाई, तू आगे जा, रुक तू आगे जा और इस कार को पीछे ला भाई। ये तो मजा आ गया भाई। भाई ये देखो भाई, ये देखो कार वर्टिकल पोजीशन में भाई, ये क्रेजी सा सीन है भाई, ये क्रेजी सा सीन है भाई, ये मस्त लग रहा है भाई। ये सब एंशियंट कार की है, बस एक R80 है भाई। सही है भाई, R80 मिलती रहे तो वही सही होगा, बस इतना महंगा ना मिले भाई। बिकता ही तो ये 7-8 लाख का है, इतना महंगा मिल जाएगा तो भाई दिक्कत हो जाएगा ना। Thank you.
भाई सीरियसली भाई क्या मज़ा आ रहा है भाई ये सब करने में भाई, पता नहीं क्यों लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है भाई। तो चलो अपनी फरारी वर्सेस दिस माजदा, लेट्स ट्राई रेस। अच्छा हाँ, हम क्या इधर बेटिस कार कर सकते हैं क्या? लेट्स सी, बेटिस कार आ जा, क्योंकि एक बार आया था पता है, एक बार ऐसे ही आया था कुछ। हाँ अपनी माजदा के साथ कुछ एक ऑडियारेट या फिर कोई भी एक कार बैठ के लिए आया था, ट्राई करके देखते हैं। अगर एक मिनट तक नहीं होता तो फिर हम लोग नॉर्मल पैसे के लिए रेस करेंगे। चलो नहीं होगा ठीक है, ओके लेट्स रेस फॉर मनी ओनली। मुझे लगता है जब अपना रेयर होता है तभी बेटिस कार आता है आई गेस, क्योंकि उस बार एक बार आया था। ठीक है चलो ट्राई करते हैं एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी फरारी को माजदा के साथ देखते हैं। सो इट्स फरारी वर्सेस माजदा। क्योंकि भाई माजदा के मतलब फरारी तो मिल ही नहीं रहा भाई, माजदा ही मिल रहा है तो माजदा के साथ ही रेस करवाते हैं। चलो 2-1 Are we winning or are we losing? We are winning guys. Wow. तो माजदा का थर्ड फास्टेस्ट है क्या? मेरे पास माजदा होता तो अच्छे से समझ में आता। रुको अगर फरारी के सामने वो हार गया, वैसे वो तो मतलब फेयर कंपटीशन नहीं है, सो आई कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग। लेकिन सोच रहा हूँ, आप लोगों को क्या लगता है गाइस? क्योंकि भाई मिल ही नहीं रहा भाई, मैं 1.5-2 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मिल ही नहीं रहा। आई गेस माजदा इज नॉट द सेकेंड फास्टेस्ट आई गेस, लेकिन हम लोग कुछ कमेंट कर भी तो नहीं सकते ना, वही प्रॉब्लम हो गया है। क्योंकि भाई देखो अभी मैं 1.5-2 घंटे से लगे पड़ा हूँ ठीक है, और मुझे मिल नहीं रहा, तो आई गेस माजदा इज नॉट द सेकेंड फास्टेस्ट कार आई गेस, ओके। लेकिन आप लोगों को अगर पता है तो मुझे प्लीज कमेंट में बताना ठीक है। ठीक है तो आज का वीडियो इस तक ही रखते हैं हम लोग ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना, और आपके दोस्तों के साथ भी इसको जरूर से शेयर करना ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।